नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन कुमार। पाठ योजना क्रमांक 10, दिनांक कक्षा 7, विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, क्लास प्रथम, अवधि 45 मिनट, दिन गुरुवार, छात्राध्यापक रवि रंजन कुमार, विद्यालय रजक के मध्य विद्यालय, तितिरा, जीरादेई। प्रकरण है सर्वनाम। सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा एवं व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को भाषा समझने योग्य बनाना, बच्चों में कल्पना शक्ति के अवसर प्रदान करना, छात्रों छात्राओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी सर्वनाम को परिभाषित कर सकेंगे, बच्चे सर्वनाम के भेदों को जान सकेंगे, विद्यार्थी वाक्यों में सर्वनामों का उचित शुद्ध प्रयोग कर सकेंगे, सहायक शिक्षण सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक आदि, शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सर्वनाम के बारे में पहले से कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त है। प्रस्तावना प्रश्न में फिर से 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया। पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का उदाहरण दें तो मैं, तुम, आप, यह, वो, जो, शो। प्रश्न 3, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तर समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों आज हम लोग सर्वनाम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, पहले पेज में 2 कॉलम शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक क्रिया का, और दूसरे पेज में 3 कॉलम बनाएंगे, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु सर्वनाम, पहला प्रश्न, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर में सर्वनाम। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। दूसरा प्रश्न, मैं, वह, यह, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ और, क्या, किसके उदाहरण है? तो सर्वनाम के। तीसरा प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो उत्तर समस्यात्मक। शिक्षण बिंदु में होगा स्पष्टीकरण, सर्वनाम के प्रक्षेत्र, अध्यापक कथन, पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्व अर्थार्थ सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी के सर्वनाम का यही भेद है को मानते हैं अनेक व्याकरणकार। संस्कृत में सर्व के समान जिन नामों अर्थात संज्ञाओं का रूपांतर होता है उनकी एक अलग वर्ग मानते हुए सर्वनाम कह दिया गया। सर्वनाम की संख्या, ऐसे संस्कृत में सर्वनामों की संख्या को लेकर मतभेद है, उसी तरह हिंदी में भी इनकी संख्याओं को लेकर पर्याप्त मतभेद है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है जो संस्कृत से व्युत्पन्न है। ये हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्री पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है, जैसे यह राम है, वह जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है, जैसे कोई होगा, कुछ दो। संबंधवाचक सर्वनाम, इससे किसी संज्ञा के संबंध जोड़ा जाता है, जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध, जैसे क्या हुआ।
पुनरावृत्ति प्रश्न में पहले पेज में फिर से दो कॉलम आएंगे। छात्र अध्यापक क्रिया एवं विद्यार्थी क्रिया का पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञाओं या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? तो 11। प्रश्न 3, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो उत्तर में 6, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। गृह कार्य में सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? नीचे बाई ओर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, दाहिनी ओर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, दूसरे पेज में प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर कराया जाता है।